व एसओजी ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के थाना राया पुलिस व एसओजी टीम ने थाना राया क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर कट पीएनसी के पास 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त अंतर्राज्यीय सातवें लुटेरा ट्रैक्टर चोर आजम पुत्र नूर निवासी सामरेड़ा थाना पहाड़ी जनपद भरतपुर राजस्थान से हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से इनामिया बदमाश घायल हो गया, जिसके कब्जे से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। आज थाना राया व एसओजी टीम को ये सूचना मिली थी कि विगत वर्ष में जो ट्रैक्टर चोरी हुई थी यहाँ से थाना राया से, उसका एक वांछित अभियुक्त आजम जो कि भरतपुर का रहने वाला है, वो अपने साथी के से मिलने के लिए तथा अन्य ट्रैक्टर की देखी करने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है। इस सूचना पर एसओजी व थाना राया की पुलिस के द्वारा चेकिंग आरम्भ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर उनको एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया, उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली इस व्यक्ति के पैर में लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम आजम बताया, जो कि भरतपुर का रहने वाला है तथा विगत वर्ष ट्रैक्टर चोरी की वारदात में वांछित था तथा इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। इसके ऊपर एक दर्जन से अधिक मुकदमे जनपद मथुरा से हैं। घायल बदमाश को तत्कालीन नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके से एक तमंचा, भारी मात्रा में गोलियां तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन